हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी बात। मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिलिप्स की तरफ से आने वाला एक इंडक्शन कुकर, जो कि आप देख रहे होंगे। अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो इसका मॉडल नंबर है HD4928/01। तो यहाँ पे आपको मॉडल नंबर लिखा हुआ मिल जाता है और कुछ इस तरह के आपको ये इंडक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी इंडक्शन कुकर के बारे में आपको कंप्लीट इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसका फुल अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसमें कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है, कितना ये लॉन्ग लाइफ चलेगा या नहीं, ये सारा चीज़ आपको कंप्लीट इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ में मैं इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ कि इसका अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, हमने कितने में खरीदा, ये सारा चीज़ आपको कंप्लीट इस वीडियो में जानने को मिलेगा और किस तरह से इसको इस्तेमाल कीजिएगा ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसके बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का आपको बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बेस्ट है। फ्रंट में आपको यहां पे फिलिप्स की ब्रांडिंग लोगो दी गई है, नीचे लिखा हुआ है इंडक्शन कुकर डेली कलेक्शन, और यहां पे आपको इंडक्शन कुकर का एक इमेज भी देखने को मिल जाता है और यहां पे मॉडल नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया HD4928/01 इसका मॉडल नंबर है। यहां पे कुछ व्यंजन के प्रकार आपको दिए गए हैं कि किस तरह के खाना यह बना सकता है। अगर मैं इसके साइड पैनल की बात करूं तो साइड पैनल में भी आप देख रहे होंगे यहां पे सेम आपको फिलिप्स की ब्रांडिंग लोगो दी गई है और इंडक्शन कुकर वगैरह लिखा हुआ है, और यहां पे आपको इसके मेन फीचर्स को हाइलाइट्स किया गया है, जैसे कि 6 प्रीसेट मेनू आपको यहां पे देखने को मिल जाता है जो कि सूटेबल है इंडियन कुकिंग के लिए, जो कि आप ऊपर में लिखा हुआ देख रहे होंगे, और नीचे में वो सारे कुकिंग जो भी यहां पे प्रीसेट है वो यहां पे आपको बताया गया है, जैसे कि सबसे पहले मैनुअल है, उसके बाद ग्रेवी है, उसके बाद रोटी या डोसा है, उसके बाद स्टिर फ्राई है, डीप फ्राई है, उसके बाद प्रेशर कुकर है। अगर मैं बॉक्स की दूसरे साइड की बात करूं तो यहां पे भी आप देख रहे होंगे फिलिप्स के आपको ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाती है, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई और लिखा हुआ है एफर्टलेस फ्रेम फ्री कुकिंग, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है। मॉडर्न डिजाइन विथ प्रीसेट मेनू फॉर इंडियन कुकिंग्स के लिए यहाँ पे है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडक्शन कुकर का एक इमेज दिया गया है और यहाँ पे 6 जो प्रीसेट है उसके बारे में बताया गया है। अगर मैं इस बॉक्स की प्राइस की बात करूँ तो इसके बॉक्स पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेंशन है 5,995 रुपया, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस दिन हमने इसको परचेज किया था अमेजन से ये हमें पड़ा है 2649 रुपया में। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप इसका करंट प्राइस को भी चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। अब चलिए हम इसके बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट देखने को मिलते हैं और हमारा जो इंडक्शन कुकर है वो कैसा है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। जैसे हम अनबॉक्स को अनबॉक्स करते हैं तो अंदर की तरफ से यहाँ पे हमारा इंडक्शन कुकर रखा हुआ मिल जाता है और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब जो हमारा इंडक्शन कुकर है वो प्लास्टिक के अंदर है जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब इसके जो ऊपर वाला प्लास्टिक है इसको हम रिमूव करते हैं और आपको मेन इंडक्शन दिखाते हैं कि हमारा इंडक्शन कैसा है। तो सबसे पहले इंडक्शन कुकर की मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको बता दूं तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। पूरी तरह से प्लास्टिक का बना हुआ है, ऊपर में आप प्लेट जो आप देख रहे होंगे वो सिनेमेटिक प्लेट है जो कि आप देख रहे होंगे, और इसकी जो थिकनेस है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सर्कल में बताया गया है कि यहाँ पे आप अपने जितने भी बर्तन वगैरह है उसको आप रख के खाना को बना सकते हैं। यहाँ पे क्वाइल दिया गया है अंदर की तरफ, और नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको फ्लिप्स की ब्रांडिंग लोगो भी देखने को मिल जाती है, और उसके नीचे यहाँ पे सारे मैनुअल्स बटन आपको देखने को मिल जाता है। जो भी 6 प्रीसेट जो बटन है वो भी आपको देखने को मिलता है, साथ में इसको मैनुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो बटन है वो मैनुअल का है, उसके बाद रोटी डोसा का है, उसके बाद ग्रेवी का आप देख रहे होंगे, उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल करने का यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाता है, उसके बाद टाइमर सेट कर सकते हैं कितने देर तक आप इसको ऑन रखना चाहते हैं। बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्लस माइनस, यहाँ से आप इसके वाट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम वाट है वो है 2100 वाट जो कि आप देख रहे होंगे, और मिनिमम है 120 वाट। तो अगर आपको कम टेम्परेचर पर चलाना है तो 120 वाट, 500 वाट, 800 वाट, 1000 वाट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना में आपका जो खाना है वो बिल्कुल बन जाएगा। और अगर आप हाई फ्लेम चाहते हैं, हाई टेम्परेचर चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 2100 वाट तक आप जा सकते हैं। अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूँ तो 120 वाट से यह स्टार्ट होता है, उसके बाद 500 वाट पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको ये प्रोवाइड करा देता है, और अगर आप 2100 वाट पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको 240 डिग्री सेल्सियस तक जो आपका टेम्परेचर है उसको बढ़ा देगा। और ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इस डिस्प्ले में आपको सारी जानकारी देते रहेगी, यहाँ पे आपको लिखता रहेगा कि कितना देर चलेगा और कितने टेम्परेचर पर अभी चल रहा है, सारी जानकारी आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल आप इसका जो फ्रंट का जो लुक है वो आप देख रहे होंगे काफ़ी बेहतर लुक आपको देखने को मिल जाती है। अब चलिए हम इसको बैक पैनल के बारे में आपको बताते हैं। तो बैक पैनल में आप देख रहे होंगे
होंगे, यहाँ पे आपको एक एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाता है जो इसके अंदर का जो हीट है उसको बाहर की तरफ फेंकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्टिकर सटा हुआ दिख रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया और यहाँ पे इसके मॉडल नंबर वगैरह सारा चीज आपको देखने को मिल जाते हैं। साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सारे ग्रिल्स वगैरह दिए गए हैं जो विंडशील्ड ग्रिल है, जिससे कि ठंडे हवा को अंदर की तरफ लेगा और जो गर्म हवा है वो यहाँ पे इसके जो एग्जॉस्ट फैन है उसके थ्रू ये बाहर की तरफ फेंकेगा। तो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके वायर की लेंथ की बात करूं तो इसका जो वायर का लेंथ है वो करीब 1 मीटर है और इसका जो सॉकेट है वो आप देख रहे होंगे इंडियन सॉकेट है, तो इसमें आपको कोई किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल इस फिलिप्स की जो बिल्ड क्वालिटी है और इसका जो बटन्स वगैरह है वो आप देख रहे होंगे काफी बेहतरीन दिए गए हैं और काफी अच्छा लुक भी प्रोवाइड करा देता है ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में। अब चलिए हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं कि इसको हम किस तरह से ऑन करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने पावर से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम अपना बर्तन रख देते हैं इस इंडक्शन पर जैसा कि आपने देखा, उसके बाद हम यहाँ पे ऑन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ऑन पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल सेंटर में जो डिस्प्ले था वहां पे लाइट जलना स्टार्ट हो चुका है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको किस तरह से चलाना चाहते हैं, यानी कि मैनुअली चलाना चाहते हैं या प्रीसेट को आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर आप कुकर वगैरह चढ़ा रखे हैं, कोई चीज़ फ्राई वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे डीप फ्राई पे आप क्लिक कर सकते हैं, स्लो कुक पे आप क्लिक कर सकते हैं या मैनुअली पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैनुअली पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिखाने लगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर पर जाते हैं, टाइमिंग वगैरह सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको प्लस माइनस आप इसका करना चाहते हैं, वाट बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, इसके टेम्परेचर को हाई करना चाहते हैं या लो करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्ले पाउच का भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे कि आप प्ले पाउच कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि अभी रोक दे जहाँ पे खाना मर रहा है वहीं पे, तो आप पाउच पे क्लिक कीजिएगा तो वैसे ही रुक जाएगा उसी हीट पे, और जैसे यहाँ प्ले कीजिएगा तो फिर से वो काम करना चालू कर देगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे इतने यहाँ पे जितने भी बटन्स है उसको आप कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से अगर आप खाना वगैरह बनाना चाहते हैं इंडक्शन कुकर पर तो आपको काफ़ी कम समय लगेगा क्योंकि इसमें हीट काफी ज्यादा पैदा करता है जिससे कि आपका जो खाना है काफी जल्दी बन जाएगा और आपका बिजली भी काफी कम लगेगा। और एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे 2100 वाट पे आप नहीं चलाएं, उतना बिजली बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 500 से 800 वाट पे भी आप चलाते हैं तो आपका जो बिजली की भी बचत होगी, साथ में आपका जो खाना है वो भी आपको काफी जल्दी बन जाएगा। तो कैसा लगा इस इंडक्शन कुकर का अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी। सबसे पहले अनबॉक्स करके दिखाया, उसके बाद इस इंडक्शन कुकर के बारे में आपको सारी जानकारी दी कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिलता है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं, वहां से जाके इसके करंट प्राइस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लिए आते रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।